नमस्कार, मैं हूं मनप्रीत और आप देख रहे हैं वायरल सच। गुरुग्राम में अवैध निर्माण को लेकर चाहे प्रशासन द्वारा शीतला कॉलोनी में तोड़फोड़ की जा रही है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्यों अभी भी नई अवैध कॉलोनियों को पनपने दिया जा रहा है। क्या फिर यहां पर भी आम आदमी की छत पर पीला पंजा चलाया जाएगा? समय रहते ऐसे बिल्डरों व मिली भगत करने वाले अधिकारियों पर नकेल क्यों नहीं कसी जा रही? क्यों मुख्यमंत्री के आदेशों के बाद सिर्फ एक रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जा रहा है? हम यहां बात कर रहे हैं दौलताबाद रोड पर भल्ला केमिकल फैक्ट्री के स्थान पर बनी अवैध कॉलोनी की। आपको बता दें कि वायरल सच द्वारा यहां पड़ताल की गई तो देखा कि अब इसे अवैध कहे या वैध, क्योंकि यहां प्लॉट लेने वाले लोगों के घरों में बिजली के कनेक्शन भी है, सीवरेज भी है और इसी के साथ बोरवेल से सरेआम भूजल दोहन भी किया जा रहा है। अगर अवैध कॉलोनी है तो यहाँ बिजली पानी सीवरेज कनेक्शन देने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए? क्यों सिर्फ आम आदमी को ही प्रशासन की कार्रवाई का शिकार होना पड़ता है? इस मामले में जब गुरुग्राम के विधायक सुधीर सिंगला से बात की तो उन्होंने भी इस कॉलोनी पर कार्रवाई करवाने की बात कही। तो वो भल्ला केमिकल, तो मैं इस सब का जो है लेटर लिखूंगा वो, और कमिश्नर से मैं पूछूंगा और इस बारे में ज़रूर कुछ ना कुछ हम अगले हफ्ते तक कामयाब होंगे। मैं कमिश्नर से पर्सनल मिलूंगा और कमिश्नर के भी नॉलेज के अंदर लेके आऊँगा कि भाई अगर अवैध निर्माण हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं और ये कॉलोनी कट रही है तो क्यों कट रही है जी। इस अवैध कॉलोनी के बारे में जब ज्वाइंट कमिश्नर जितेंद्र गर्ग से बात की गई तो उनका कहना है कि वह स्वयं औचक दौरे कर ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। देखो, वैसे तो इलीगल कॉलोनी प्लॉटिंग करना एक डीटीपी के अधिकार क्षेत्र का मामला है, बाकी अवैध बोरवेल भी एनसीजी के उसमें आता है। अभी कल मैंने देखा था कि अवैध बोरवेल को सील किया था और व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर की थी। रही राजेंद्र पार्क की बात, वहाँ कुछ इलीगल कंस्ट्रक्शन हमने लास्ट मंथ भी डिमोलिश कराई है, तोड़ा गया है बिल्डिंग को, तो अगर इस तरह की और शिकायत आती है बिल्कुल उन पर उचित कार्रवाई की जाएगी। आम आदमी को नहीं मालूम होता कि कौन सा एरिया वैध है और अवैध है। बिल्डर या डीलर आम आदमी को सस्ते का लालच देकर उसे बहलाने में कामयाब हो जाता है, लेकिन यहाँ प्रशासन को कड़ा रुख अपनाने की जरूरत है कि आखिर अवैध कॉलोनियों के प्लॉट की रजिस्ट्री कैसे हो जाती है, कैसे वहाँ सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हो जाती है। अगर सब कुछ मिली भगत से संभव है तो दबाव आने पर आम आदमी को ही बलि का बकरा क्यों बनाया जाता है? इसी तरह तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे आपका अपना चैनल वायरल सच। नमस्कार।